हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं गुजिया की रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक कटोरी मैदा लेंगे एक बाउल के अंदर, और इसमें 2 पिंच हम डालेंगे सोडा, खाने वाला जो सोडा आता है। और उसके बाद से इसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। आप यहाँ घी की जगह पे ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, और अच्छा से इसे मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मोयन अच्छा है। आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे इसका हम डो लगाएंगे। रोटी से थोड़ा सा टाइट डो लगाना है, सख्त लगाना है डो हमें। तो इस तरीके से ये डो लग गया है, तो इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। और चलिए बाकी गुजिया के लिए और चीज़ें तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने कढ़ाई रख लिया है गैस पे, और 1 टेबल स्पून इसमें हम घी डालेंगे। और इसे गर्म करने के बाद कुछ बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स हम डालेंगे। आप देख सकते हैं किशमिश, पिस्ता, काजू बादाम है। आप अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसे हम आधे मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल रोस्ट हो चुका है। अब इसमें हम 250 ग्राम मावा डालेंगे, और इसे भी हम अच्छा से भून लेंगे मावा को। इस तरीके से चलाते हुए हमें भून लेना है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नारियल पूरा। तो आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट में अच्छा से मावा मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड कर दे रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। देख सकते हैं इलायची पाउडर हमने इसमें मिक्स करके इसे छोड़ देंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें नारियल बूरा ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। और ये बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, चलिए चीनी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पीसी हुई चीनी लिया है, और इसे इसमें हम 4 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। और आप अपने हिसाब से, जिस तरीके से क्वांटिटी है मावा का, उस हिसाब से चीनी ऐड करें। तो इसे हम मिक्स कर देंगे, जैसा मीठा पसंद हो आपको, कम या ज़्यादा उस हिसाब से भी डालें। तो ये मिक्स हो चुका है चीनी, चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से जो आटा हम लगाए थे उसका एक छोटा सा लोई लेंगे, और एक पूड़ी का शेप में इसे बेल लेंगे। आप देख सकते हैं ये पूड़ी के तरीके से हमने बेल लिया है। और एक गुजिया वाला साँचा हम लेंगे, और इसमें फॉइल अच्छा से लगा देंगे ताकि गुजिया चिपके ना इसके अंदर। और इस पूड़ी को इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद से 1 चम्मच हम मावा को इसके अंदर भरेंगे इस तरीके से। उसके बाद से इस तरीके से हम दबाते हुए इसे पैक कर लेंगे। यहाँ पे प्रेस करते हुए हमें दबा लेना है। उसके बाद से ये एक्स्ट्रा जो आटे हैं उसे निकाल देंगे हम। ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार हो गया है गुजिया। तो इसी तरीके से हम सारे गुजिए को तैयार करेंगे। ये आप देख सकते हैं। और चलिए दूसरा तरीका भी बताती हूँ हम इसे पैक करने के लिए। यदि गुजिया आप ज़्यादा बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये मावा भरने के बाद पानी लगा दें इधर साइडों में, किनारों पे, उसके बाद इसे पैक करें इस तरीके से। तो इससे क्या होता है, खुलने का डर नहीं रहता है, गुजिया खुलता नहीं है इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं सारा गुजिया हमने बना के तैयार कर लिया है। चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया है, और गर्म हो चुका है तो इसमें अब गुजिया ऐड करेंगे। और गुजिया हमें 1, 2, 4 करके नहीं तलना है, पूरे जितना गुजिया इसमें आए उतना हमें भर देना है एक बार में। और यहाँ पे हम थोड़ा सा गैस को मीडियम कर देंगे। उसके बाद से इसे एक साइड सिकने के बाद आधे मिनट बाद हम पलटेंगे इसे इस तरीके से। और इसे पलटते हुए हमें
गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो लाइट गोल्डन भी फ्राई कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। तो ये आप देख सकते हैं एक साइड सिक चुका है और इसी तरीके से हम पलटते हुए इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे मावा में चाहें तो अपने पसंद के हिसाब से सूजी भी फ्राई करके और मावा के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुजिया फ्राई हो चुका है, चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस होली पे आप इसे बनाइए और खाइए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि रेसिपी कैसी लगी आपको। और यदि रेसिपी पसंद आती है आपको तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो फिर से आप सभी को हैप्पी होली और थैंक यू वॉच करने के।